इसमें लेकर ना था, ये तो ये रिकॉर्डिंग होना है। क्या बात, अब तो समझ गए ना हम ये सब चीजें, बड़े हो गए आप लोग। अब ट्वेल्थ आ गए क्या? अच्छा इलेवेंथ आ गए, इसलिए अब ट्वेल्थ हो गए। अब कई बार ऐसे होंगे आपके साथ कि थोड़ा सा आपको क्या कम ध्यान दिया जाएगा, तो टेंशन मत लेना। कई बार थोड़ा सा ऐसा होगा कि यू विल फील नेग्लेक्टेड, क्योंकि आप ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, द रीजन बीइंग कि इलेवेंथ के बच्चे आ गए। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे पेरेंट्स का दो बच्चे होते हैं, नहीं मतलब मैं तो और कोई बैच नहीं ले रहा हूँ, तो मैं तो हूँ आपके साथ, बट ऐसे अक्सर आपको थोड़ा फील होगा कि हमारे बात कोई सुनता ही नहीं है, इलेवेंथ के बच्चे की बातें ही सुनते हैं हमेशा, ऐसे अक्सर फील होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो कोई सुनता नहीं सुनता उसे क्या फर्क पड़ता है। पर मैं सोच रहा हूँ रिपीटर्स का एक बैच लूंगा, इस साल जो रिपीटर्स आएंगे उनका को मैंने कभी रिपीटर्स को नहीं पढ़ा, तो देखता हूँ उनको कैसे पढ़ाया जाता है। इलेवेंथ पढ़ाएगा, नहीं 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 ऐसे कोई नहीं होता है, दो दिन में चैप्टर खत्म हुआ, दो दिन में मतलब पर डे 50 क्वेश्चन थे इसके अंदर, रिपीटर्स के लिए आप लेंगे, आप तो अच्छे बच्चे। टेंशन अच्छा आप मैंने रिपीटर या सो यू आर इन डेंजर्स, मेरे हाथ में बैठा है। चलो लिखो लिखो। अच्छा हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे, अच्छा आपको पता होगा कॉन्सेप्ट वगैरह थे कि मान लो ये हमारे से बिंदु था, इसके अंदर से हमने मास डाला था, इसका मास कितना आया था m1 आया था, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 आया था, और इसके पास हमारा टेम्परेचर हमारा T1 आया था, और एक मास हमारे पास था जिसके पास मास हमारे पास f2 था, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी h2 था, और इसका टेम्परेचर T2 आ रहा था। दोनों मिलने के बाद दोनों लिक्विड था, दोनों लिक्विड जाकर मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद दोनों का वो टेम्परेचर आ रहा था, वो टेम्परेचर बोलते हैं Tf बोलते हैं। याद है आपको, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है इसका मतलब इसके अंदर से ना कोई हीट बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से हीट अंदर आ सकता है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, इसका टेम्परेचर अगर कम हुआ, इसका मतलब इसने हीट लॉस करेगा और इसने हीट गेन करेगा। और हमें पता है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन। और हम लोग को पटना फॉर्मूला लिखते हैं m1 s1 क्योंकि ये हीट बड़ा था, जैसे T1 माइनस Tf आ रहा था, और ये बराबर था हमारे पास m2 इक्वल द h2 इक्वल द Tf माइनस e2। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और इसके बारे में एक सवाल भी किया था हमारे याद आ रहा था, तो ये वाला सवाल कुछ इस प्रकार था कि मान लो हमारे पास 10 ग्राम नहीं है फैमिली सर्विसेज में, और एक हमारे पास कितना ग्राम होता, अच्छा ये 15 नहीं ये 15 था और ये 5 था, ये मान लो आप ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो हमने इसको सॉल्व करके निकाला था 25 डिग्री सेल्सियस आया था हमें, 30 प्लस 20 सॉरी 30 प्लस 2 इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 आंसर नहीं आता है, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है? अब मन में एक सवाल उठता है, क्या वो सवाल मन में, अब तो ये सवाल उठ रहे होंगे कि सर एक चीज बताओ कि मान के चलो हमने मान लो इसको ऐसे कुछ लिख लिया, मान लो ये 2 30 है, 2 में ये पक्का हीट गेन करेगा लॉस करेगा, लॉस करेगा, और ये क्या करेगा हीट गेन करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 30 पे था और इन दोनों का जो टेम्परेचर आता है वो कितना 25 डिग्री का सेल्सियस के आसपास आ रहा था, ठीक है बहुत बड़े। अब मान लो तो हम हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन का फंडा तो पुट कर देंगे। अब मान लो हमारे पास दो नहीं होगा, अगर 3 सब्सटेंस होते जैसे कि ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर, और 10 ग्राम का पानी लेट सपोज 40 डिग्री सेल्सियस पे होता, ठीक है? अब मुझे बताओ तीनों को मिक्स किया तो इनका कुछ फाइनल टेम्परेचर होगा, तो हम तो फिर से मेथड 1 फिट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, किसने अगर जितना हीट लॉस किया होगा उतना अमाउंट हीट गेन करा होगा, तो पुट करते हैं कि जो हीट लॉस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, हीट गेन आएगा, है ना, ये आएगा। अब सोच के देखो बात, तो ये तो हम अगर इसको देखेंगे ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 30 डिग्री पे है और ये 40 डिग्री पे है, सबसे कम टेम्परेचर किसको है, 10 डिग्री सेल्सियस में, तो ये तो पक्का अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये तो गारंटेड है, और सबसे ज्यादा किसका है 40 डिग्री सेल्सियस का, तो इससे भी ये भी अपना टेम्परेचर घटाएगा, ये भी ऑब्वियस वाली बात है, परंतु 30 डिग्री सेल्सियस का क्या वो हीट लॉस करेगा फिर गेन करेगा? कैसे देखोगे? अब तो पहले फॉर्मूला तो इसे पुट करोगे हीट लॉस या गेन, क्या करेंगे? बिल्कुल हमें एक नया तरीका निकालना पड़ेगा। दो अगर सिस्टम है, मतलब दो अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, तो उसके लिए तो हमने क्या फंडा पुट कर रखे कि यार हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, अगर 3 4 20 आ गए तो बाप रे बाप लगा दिला हो जाएगा, तो हमने एक नया तरीका निकाला, क्या तरीका वो समझते हैं, ठीक है? तो उसको लिखो मेथड नंबर 2, क्या है मेथड नंबर 2, समझ गए मतलब क्या जरूरत पड़ा समझ में आया? बिल्कुल। तो मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है समझते हैं। अब देखो समझो ध्यान से, तो मान लो हमारे पास ये वाला है कि ये बीकर है, ये बीकर में हमने कुछ मास डाल दिया, इसका मास हमने कितना रखा है m1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 और इसका टेंपरेचर कितना t1 था, ये तो वही वाला चीज कर रहे हैं पर दूसरा तरीका से। अच्छा इसका टेंपरेचर कितना था, इसका मास कितना m2, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना आएगा s2 और इसका टेंपरेचर कितना t2, दोनों को मिलाया तो इसका फाइनल टेंपरेचर कितना हुआ tf। पिछले वाला क्वेश्चन में कौन बढ़ा था, T1 बढ़ा था T2 बढ़ा था, जो कर रहा था T1 बढ़ा था, ये जो कर रहा है वो डेरिवेशन कर रहा था,
ठीक है, अभी मानते हैं कि हमारे टी टू बड़ा है और टी वन छोटा है। टी टू बड़ा है हमारे पास, टी टू हमारे पास बड़ा है और टी वन छोटा है, मान के चलते हैं। चलो बहुत बड़े मान लिए। तो अभी मैं ये तो पता है डेफिनेटली कि जो टी टू अगर बड़ा होगा, मतलब ये मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट है, ये 20 का और ये 10 का। अच्छा तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, गेन करेगा, लॉस करेगा। ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। अब समझ में आ रहा है, तुम बोल नहीं गई गरी, ये कितना 20 डिग्री सेल्सियस में, ये कितना 10 डिग्री सेल्सियस में, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, और ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। बस सिंपल जवाब छोटे। अच्छा हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे। अब देखना मैथड 2 कितना खतरनाक वाला टॉपिक है, ये चीज हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। अब अभी से हम थोड़ा समझ के रखते हैं क्या है, हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे दोनों ही नहीं हीट गेन करा, कैसे मान के चलेंगे, हम क्या मान के चलेंगे, अरे बोलो ना, देखो मतलब इसका टेम्परेचर टी वन था, अब वो टेम्परेचर टी एस में आया, मतलब हीट गेन करा, मतलब इसका भी टेम्परेचर बढ़ा होगा। मैं बोलो ये भी कुछ टेम्परेचर गेन करा होगा, मतलब ये भी कुछ हीट गेन करा होगा, मतलब इसका भी टेम्परेचर बढ़ा होगा। मतलब टेम्परेचर मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि टी वन टी टू दोनों से बड़ा है, ऐसे हो नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है, पर हम ऐसे मान रहे थे, इससे फायदा क्या होगा समझो। अगर मैं आपको बोलूंगा ये दोनों सिस्टम के अंदर जो समेशन ऑफ टोटल हीट जो गेन होगा, जो ये दोनों सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट गेन, वो कितना गेन होगा, बाहर से कुछ आ नहीं रहा है, अंदर से कुछ बाहर जा नहीं रहा है, इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गेन, हालांकि ये कुछ दिया होगा, ये कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट गेन कितना आएगा, जीरो आया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा। अच्छा अब देखो तो बताओ, इसको अगर टी वन से लेकर टी एफ तो गया, अब देखना मैथ्स आपको ऑटोमेटिक आंसर देगा, अपने को मैथ्स अपने को ऑटोमेटिक आंसर देगा। मतलब मान लो ये 10 जूल का एनर्जी लिया, पता है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि माइनस 10 जूल का एनर्जी लिया, मैथ बोलेगा उसको क्या बोलते हैं कि माइनस 10 जूल मतलब देना होता है, पर तो हमें समझ में आता है कि माइनस 10 जूल मतलब दिया है एक्चुअली, मैथ्स में क्या बोलेगा माइनस 10 जूल का एनर्जी उसने लिया है, तो उसका एनर्जी घटा, मतलब हीट टेम्परेचर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैथ्स ऐसे आंसर देगा। मतलब हमें कुछ सोचना नहीं है अभी, कोई टेम्परेचर बढ़ा घटा, हीट लॉस क्या गेन किया, उसके कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या मान के चलेंगे, सारे के सारे जो मासेस है वो सारे के सारे मासेस क्या किए हैं, हीट को गेन किए हैं। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर कोई कौन सा होगा, टीएफ, क्योंकि ये भी टी वन चलेगा, टीएफ हीट एनर्जी गेन करके टीएफ निकला, और ये भी हीट एनर्जी गेन करा, तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ा होगा। अब देखते हैं आंसर सेम आएगा नहीं आएगा, चेक करते हैं, देखते हैं हीट गेन बताओ, तो फिर इसने कितना हीट गेन करा होगा, m1 s1 into बना होगा tf minus आएगा t1। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, अरे भाई इसमें हीट गेन करा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा प्लस। अच्छा ये कितना करा होगा, m2 into बनेगा s2 into बनेगा tf minus आएगा tf। सर ये कैसे हो गया फिर से अभी, अरे भाई साहब इसने भी हीट गेन करा, हमने मान के चले, अब दोनों नेट गेन कितना करें, जीरो, मतलब ये अगर प्लस 10 होगा तो ये माइनस 10 हुआ होगा। मैथ्स अपना बेंच देखो, उसका टेंशन मत लो, ये टीएफ का ऐसे कुछ निकालेगा ताकि ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने हीट लॉस करा, और ये वाला क्वांटिटी कौन सा पॉजिटिव आ जाएगा। मैथ्स का यही बेवकूफी तो हम इस्तेमाल करते हैं वक्त, ताकि उसको समझ में आए, पर हमें समझ में आ गया अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन करता अच्छा क्लियर हो जाए, ठीक है खड़ा कर लेते हैं। हमें इसमें देखना पड़ा क्या, कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है, नहीं कुछ चिंता नहीं करना पड़ा, हम मानते हैं कि सब कोई हीट को गेन ही करे, बस तो खड़ा कर लेंगे अभी। हीट देगा दो या लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो डायरेक्टली टी एफ माइनस टी वन टी एफ माइनस टी टू टी एफ माइनस टी थ्री लिखेंगे, और बाद में मैथ्स ने सब कैलकुलेट करने के बाद ऐसे ऐसे देगा, लेकिन देखना टी एफ मैच कर जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिजिक्स में हम कोई लोग बनाते नहीं, सच में ऐसे हो रहा है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कैसे हो रहा हो, क्वेश्चन बता से जोड़ देगा। और हम पहले मेथड को इधर रिजेक्ट कर रहे हैं, इसी मेथड को हम अभी पुट करेंगे। और कौन कौन RRR मूवी देख लिए और KGF2 देख ली, यूट्यूब पे तो आ ही गया ना शायद, आते ना कुछ तो वो लोग रिकॉर्डिंग करके आते हैं थिएटर,
वो मजा आना चाहिए मूवी में, कुछ सीखना चाहिए मूवी से। क्या सीखते हो आप लोग मूवी से? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी बात अच्छी में कुछ ऐसे सीखे आपने, क्या सीखे आपने? जैसे मैं राजशेखर सर का वो कल वो जो बर्थडे था ना, मुझे कुछ एक्चुअली और ही बोलना था। प्रॉब्लम था पीछे से कोई चिल्ला रहे थे पैसा 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 पैसा। हाँ वो आप भी ऐसे ही हो जाओगे, टेंशन मत लो। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। अरे मुझे पूछना पड़ता आपको, आप थोड़ा बड़े हो जाओगे देन यू विल फील नेग्लेक्टेड। आप थोड़ा फील करोगे कि आप अक्सर 12th 11th के बच्चे बोलोगे आप जाओ ना सर को बोलो ना ये करने के लिए ये करने के लिए, क्योंकि आपके बात तो सुना नहीं जाएगा। क्यों? आप बोलोगे तो आपको बोला जाएगा कितना मार्क्स आ रहे आजकल, जब मुंड लड़के बाहर निकल के आ जाओगे देन यू विल फील कि सब कुछ ऐसे ऐसे होगा ऐसे होगा। अरे आप सोचो देखो 12th के बच्चे आपको बोल रहे थे नहीं बोलते तो ये करो वो करो वो करो, सिंपल लॉजिक है ये भी आप ही करोगे। ये ट्रेंड चलता है, हर जगह ट्रेंड चलता है, ये हमें पता होता है कि ये सब कुछ चलता है। हमने भी किए थे हमारे बचपन में, इसी वो सब बड़ा चीज के अंदर होता है। टेंशन ये सब कुछ होने वाला है। तो मतलब मैं बस ये बोलता था कि सर का अगर आप डिटर्मिनेशन देखेंगे ना राशि सर का, तो लॉकडाउन टाइम पे सर उतना ही एंथुजियास्टिकली काम करते थे। हालांकि उस टाइम पता नहीं था कि कुछ होगा या कभी कुछ नहीं होगा, तो बाद में फिर से लॉकडाउन होने के बाद मैं बस ये बोला कि कुछ हो या ना हो एक चीज को पकड़ के रखो, वो पक्का कभी ना कभी आपको सक्सेस दिलवाएगा। टेंशन मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट में भी यही रूल्स होते हैं, लॉस हो गया फिर भी उसको इन्वेस्ट करके रखो, वो कंपनी धीरे बड़ा होगा, वो होते हैं सच में ऐसे। तो जो करो उसको पकड़ के रख के करो, इसके ऊपर फोकस करने वाला था। बाद में टॉपिक पर डाइवर्ट हो गए। Parameters. So, good stuff. Find finite available episode. Find finite temperature of the mixture. Okay, one thing I said with you in our first. मान लो यहाँ से मेटल है और इसके अंदर पानी है, 5 mL का पानी है, इसका टेम्परेचर 3 है और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी एस। दूसरा हमारे पास ऐसे पानी है और इसका मास आपका m है और इसका टेम्परेचर 5T/3 है और ये परत की इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी। तीसरे वाला कोई इसके अंदर कुछ पानी है और इसका मास आपका 3 है, इसका टेम्परेचर 3T और इसका जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो 2S का स्पेसिफिक कैपेसिटी। आपको पता है इन तीनों को मिलाने के बाद इनका फाइनल टेम्परेचर कितना है? और सिंपल सा मॉडल है, कौन हीट गेन कर रहा होगा कौन हीट लॉस कर रहा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। सर बच्चे घर गए क्या? इतना कम सीट में स्लिप हो गए? हाँ गुड। क्यों घर गए क्या? वही रोहन, रोहन कहाँ है? रोहन घर गए। हाँ क्या करे बताओ, सुमिल का कौन सा टेस्ट गुड करो एमआरएस क्या करो? तीनों को मिला दो, तीनों को मिलाने के बाद मान लो तीनों का टेम्परेचर कितना होगा? टीएफ मान लो, इसका टेम्परेचर टीएफ मान लो, बस करो। एटीएफ क्या होगा? सबसे बड़ा होगा मान के चलते, पहले टी से बड़ा, सबको हीट गेन करे और नेट हीट गेन कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। नेट हीट गेन आ जाएगा वो कितना आएगा? कुछ जीरो आ जाएगा। ट्राई करो एक बार, नेट हीट गेन इक्वल टू जीरो। करके
ये तो समझा दो कि ये भी क्या बात है, ये वहां से क्या कर रहे हैं, टी प्लस 50 बाई 3 प्लस 50 डिवाइड बाई 3 क्यों प्लस में लिख रहे हैं, क्यों एमएस 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 काम कैसे करो, अच्छा एक्चुअल में चल रहा है नहीं, एमएस डोनेशन दिया था हां एक्चुअल में हार गया सारे में, लेकिन कौन है जो मुंबई गेम्स जाने नहीं, वो भी आईडी मुंबई में सारे हार गए, चेन्नई से हार गया, डिस्क्वालीफाइड चेन्नई मुंबई डिस्क्वालीफाइड, ठीक रहा है वाला मुंबई का फैन भी नहीं करते बच्चा नहीं मुंबई का कितने लोग हैं और कौन सा टीम अभी आरसीबी, आरसीबी का फैन कौन है ना उधर पीछे नहीं जाए देखो मैं दर्शकों से लॉजिक है, चेन्नई सुपर किंग आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें धोनी है, मुंबई इंडियंस इसलिए आपको पसंद है क्योंकि नहीं क्योंकि मुंबई इंडियंस बाहर क्यों नहीं है क्योंकि वो सच में मतलब मुंबई इंडियंस को इसलिए लोग प्यार करते हैं बिकॉज वो टीम है, वो टीम की वजह से, पहले सचिन तेंदुलकर था अभी रोहित शर्मा ठीक है पर वो टीम है इसलिए, पर तो सीएसके का अगर कोई प्यार करता है तो कैपिटल ऑलरेडी है, धोनी इसलिए सबको बोलते हैं धोनी धोनी इसलिए अच्छा, तो मुंबई इंडियंस मतलब बिकॉज इट टीम है इसलिए निरपक्ष रह के सबको सबको जो जीते मैं उसी के पार्टी में हमें जरूर हमारे इंडिया का स्ट्रैटेजी आपको मिले कैसे, इंडिया भी चाहते हैं कि निरपक्ष रह के सबको डिस्कशन करवाओ, मैं सुन रहा था बहुत सारा हमारा जो जयशंकर जी है जयशंकर मान विदेश अर्थनीति बहुत अच्छा था, सुन रहा था अच्छा था आया चल आगे बढ़ो एमएस एमएस नेचर को सब कोई ग्रुप को दिखेगा देखो ऐसे नहीं करते हां देखो स्टार्ट करते तो क्या करेंगे समेशन ऑफ हीट गेन इक्वल टू 0 तो मतलब इसने इसका टेंपरेचर टी से लेके कितना हो गया टीएफ हो गया, इसका टेंपरेचर कितना आएगा 5 के अपॉन 3 से लेके टीएफ हो गया, इसका टेंपरेचर कितना हुआ टीटी से लेके कहां तक हो गया टीएफ तक हो गया, चल लिखते तो फिर तो सबको हीट गेन की हो गए तो मतलब इसने कितना हीट गेन करा इसने कितना हीट करा इसने एम एस डेल्टा टी एम एम का वैल्यू कितना है 5 एम और एस स्पेसिफिक का वैल्यू कितना है एस तो एम एस इनटू डेल्टा टी कितना का टी माइनस टी एस नहीं टी एस माइनस टी क्योंकि सबको हीट गेन करो सबको अगर हीट गेन करो तो क्या होगा टेम्परेचर बड़ा बढ़ गया तो बन गया टी एस माइनस अगर टी आएगा चलिए तो हो गया प्लस इसने कितना हीट गेन करा इसने इसने निकाल लें तो ये कितना आएगा ये आ जाएगा आपका एम एस डेल्टा टी मास कितना है एम है तो एम इंटू एस इसका एस कितना है 3s है तो एम इंटू 3s इंटू डेल्टा टी कितना आएगा आपका टी एस माइनस 5t अपॉन 3 तो बनेगा टी एस माइनस आएगा 5t अपॉन टी एस ई सर टी एफ है टी एफ अच्छा हो गया इसमें भी हीट गेन करा है निकाल लेते हैं इसने कितना हीट गेन करा एम एस डेल्टा टी तो एम कितना आएगा 3s इंटू एस एस कितना आएगा 2s इंटू आएगा डेल्टा टी कितना आएगा टी एस माइनस आएगा 3t आएगा ये बराबर आएगा जीरो के साथ तो सारे के सारे एमएस धोनी को काट दो ये एमएस सो ऐसे सीएस करने निकल रहे हो क्या बोल रहे सर ये है ना एमएस एमएस महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह सब कैंसिल हो गए कैसे लगा सर ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है अरे भाई कॉमन आ गया डिवाइड हो जाएगा जीरो के साथ तो इधर कितना बचा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टीएस माइनस टी सर तो ये बनेगा 5TS माइनस आएगा 5T अच्छा प्लस ये कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई करा इनटू 3TF आ जाएगा 3TF माइनस
थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा सिंपली फाइव टी बचेगा, थ्री थ्री कैंसिल हो गया प्लस ये कितना आएगा तुमने छः सिक्स टीएफ तो बनेगा सिक्स टी एफ आएगा माइनस तुमने छः थ्री अठारह तो बनेगा एटीन टी इक्वल टू बनेगा जीरो। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, सिंपल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा चलो तो फिर सॉल्व करते हैं मैथ से। फाइव टी एफ सारे एक जाति को एक साथ ले आते हैं तो फाइव टी एफ प्लस थ्री टी एफ पाँच से आठ, आठ प्लस छः कितना आएगा फोर्टीन तो बनेगा फोर्टीन टी एफ। अच्छा माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस दस, माइनस दस माइनस अठारह माइनस ट्वेंटी एट, माइनस ट्वेंटी एट टी इक्वल बनेगा जीरो। दैट इम्प्लाई टी एफ का वैल्यू कितना आएगा ट्वेंटी एट अपॉन फोर्टीन, ट्वेंटी एट टी अपन आएगा फोर्टीन, फोर्टीन से टू कैंसिल हुआ तो बनेगा टू टी कैंसिल। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, समझा कर लोगे अभी सर? इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? फिर भी एक क्वेश्चन दे दूं क्या मैं आपको? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके डेफिनेटली हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ कोर्स, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है, ये लिख लिया ना बच्चे? वो तो ऐसे करना है, दो तीन क्लास से लिखना होगा। अरे छुट्टी करते और क्या बता रहे हैं, नहीं क्या हो जाए? लिखो लिक्विड ए एंड बी आर एट सेल्सियस and 20 degree Celsius respectively. Full stop. When mixed in equal proportion, when mixed in equal masses, the temperature of the mixture, the temperature of mixture is 26 degrees Celsius, where ratio of acidity solutes can be reached. You know that specificity ratio of power. Let the diagram banao. Bahut zaruri hai, pehle diagram banao aur dekho kya kya bola usne. का मास बराबर है, ये वाला मास आपका m है और ये कितना है, ये 33 सेल्सियस में ये a है और दूसरे का मास क्या है b, इसके मास m है ये b है और ये कितना है ये 20 डिग्री सेल्सियस में है। इसका स्पेसिफिक टेंपरेचर s1, इसका h2 मान लो, दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद ये tf का जो कि 26 डिग्री आ जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस। चलो करो अब डायरेक्टली हीट के इक्वल टू हीट लॉस पुट कर सकते हैं या फिर नेट अमाउंट ऑफ हीट के इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सेव कर सकते हैं। सिंपल है, फूड का फॉर्मूला गेट का आंसर कैसे गेट थ्री स्टूडो सही है। हाँ तो इक्वल इक्वल किए या फिर इक्वल टू जीरो किए, इक्वल 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 चलेगा, वैसे भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस किए फिर दो है तो चलेगा, पहले वाला किए ठीक है, तो ठीक है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये क्या कर रहा है हीट लॉस कर रहा होगा क्योंकि 30 से लेके 26 तक आ गया तो हीट लॉस इक्वल टू दोनों। हाँ सेकंड वाला कर लेते, इसमें कुछ बड़े सेकंड वाला देखिए क्या, इतने में ऐसे कर लेता हूँ
नेट हीट गेन इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा, नेट हीट गेन टू जीरो आएगा, चलने का हीट गेन मतलब मैं बोला ये भी हीट गेन करा तो कितना आएगा एम एस डेल्टा वन, तो आ जाएगा एम इंटू एस डेल्टा टी, बड़ा कौन होगा ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हीट गेन चल रहा है, तो मैथ अपना आंसर देगा 26 माइनस 30 आएगा प्लस ये हीट गेन करा तो कितना आएगा एम इंटू एस टू इंटू डेल्टा टी कितना आएगा 26 माइनस 20 टी एस माइनस टी ऐसे करना होता है चलो माइनस को इधर है इधर ले आ रहे हैं तो ये देखो प्लस फोर एस वन आ जाएगा और ये बराबर कितना आएगा सिक्स एस टू के बराबर आएगा, एस वन अपन एस टू कर लेते हैं, एस वन अपन आएगा एस टू सिक्स अपन फोर आएगा अभी आपका बने सवाल उठ रहा होगा, याद कर दो चीजें, एक तो एक कैलोरी है, वन कैलोरी मतलब क्या होता है, चुप है, वन कैलोरी मतलब क्या होता है, एक ग्राम पानी को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, एक कैलोरी मतलब क्या होता है, एक कैलोरी क्या होता है, अरे वो नहीं चाहिए, एक ग्राम पानी को एक ग्राम वाटर नहीं, एक ग्राम पानी, पानी से ज्यादा अच्छा लग रहा है वाटर से, है ना, तो एक ग्राम पानी को अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ग्राम सब्सटेंस को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, सिर्फ सब्सटेंस आता है ना, सब्सटेंस आता है उस केस में पानी था, इस केस में सब्सटेंस होता है, तो अगर वो सब्सटेंस अगर पानी हो गया तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, वन कैलोरी हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, आपको मन में सवाल तो ये उठ रहे होंगे कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर कैसे करते होंगे, कुछ तरीका है क्या मेजर करने का तरीका, बिल्कुल है हमारे पास, चेक करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं वो चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, अच्छा उसके पहले आप कैलोरीमीटर हमारा मकसद क्या है, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे कोई भी सब्सटेंस का, पानी का तो हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर मीटर से डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पर मान लोहा का मेजर करना है, स्टील का मेजर करना है, किसी और का मेजर करना है, तो कैसे मेजर करें वो चीज, है ना, उसके लिए हमने क्या करें, उसके लिए हम कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है कैलोरीमीटर समझते हैं, अभी कैलोरीमीटर ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या होते हैं सब चीज़ें ना, ऐसे कुछ बर्तन होते हैं, बर्तन मतलब कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें ना उसमें ये दिख रहा है कि ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसको ना इसको स्टेरर बोलते हैं, क्या होता है इसको स्टेरर, स्टेरर मतलब क्या होता है, ऐसे घुमाते हैं ना, उसे घुमाते हैं ऐसे, जैसे आपको भी मिल्क वगैरह अगर ये अगर गर्म किए होंगे तो उस टाइम में उसके ऐसे निकलते ना, या फिर अगर कुछ आपको ये बटर मिल्क बनाना है तो उसके से वो फिर ऐसे ये करना है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, रबड़ी रबड़ी रवि रवि, हाँ जहां ना पहुंचे रवि उधर पहुंचे कवि, अच्छा ये स्टेरॉइड है ना, स्टेरॉइड है जो वैसे घुमाते रहे, ये क्या काम करता है, पानी को ना हर जगह पे यूनिफॉर्मली मिक्स करता है, क्या करता है मिक्स करता है यूनिफॉर्म, और ये क्या होता है, ये आयरन बॉल होता है, आयरन बॉल मतलब इसका हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना है, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, ये इसका मेजर करना है, ठीक है, अच्छा और क्या क्या होता है, जैसे मान लो ये इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है पानी है, इसका जो देख रहे कल ये वाला पानी है, और ये वाला क्या है, ये आपका टेम्परेचर थर्मोमीटर है, जो कि टेम्परेचर मेजर करता है, जिसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, समझेंगे ऐसे क्या काम होता है, ठीक है, स्टेरॉइड का काम क्या होता है, पानी को मिक्स करना, और ये तो आयरन बॉल है, इसका स्पेसिफिक हीट कैसे मेजर करना है, और ये कौन सा वाटर है, और ये थर्मोमीटर है, अच्छा और दो चीज क्या होते हैं, ये जो रेड कलर का है ना, रेड कलर का ये कॉपर वेसल्स होते हैं, कॉपर वेसल क्यों, ताकि वो हीट को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकता है, याद है ना हमें, इसका एसएनसी बहुत कम होगा, क्योंकि जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होगा वो अच्छा कंडक्टर है, मतलब वो खुद अपने बस कम रखता है और ट्रांसफर ज्यादा करता है, तो कॉपर वेसल का एसएनसी बहुत कम है, स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए ये हीट को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकता है, मतलब क्या होता है, समझे फंक्शन क्या होता है समझे, और उसके बाद उसके अंदर क्या, ये वाला जो पार्ट में ये वाला पार्ट है ना, ग्रीन कलर वाला पार्ट, इसको होता है ग्लास वूल इंसुलेटर होता है, ताकि वो हीट को बाहर नहीं जाने दे, मतलब क्या होता है एक्चुअली आयरन बॉल है ना, आयरन बॉल, ये आयरन बॉल का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, सॉरी आयरन बॉल को स्पेसिफिक टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसमें से कुछ हीट वगैरह निकलते देखेंगे हम लोग, तो ग्लास वॉल क्या करता है, ग्लास वॉल जो है वो इसमें से हीट को बाहर नहीं देने जाते,
ताकि हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, ताकि हम कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल को डाल सकते हैं, क्योंकि कैलोरीमीटर प्रिंसिपल से कहां पर वैलिड होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में, जहां से कि हीट बाहर या फिर अंदर नहीं आ सकता। समझ गए कैसे काम करते, समझते हैं ना कैसे काम करते हैं। तो होता क्या बेसिकली, हमारे पास क्या होता है, अब समझो मतलब कितना सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल का कॉन्सेप्ट है। सुनो जैसे मान लो हमारा आयरन बोर्ड में है वो 100 डिग्री सेल्सियस का है, ये मान के चलते हैं, और हमारे ये पानी है, ये पानी मान लो 220 डिग्री सेल्सियस में, देखा मतलब कितना परफेक्ट डायग्राम बना था, आप बन नहीं सकते आप बोलोगे 20 सेल्सियस, ठीक है। अब समझो क्या होता है कि जैसे हमने तो पहले जब हम आयरन बोर्ड को नहीं डाले थे, मानो नहीं डाले थे, तब पानी गर्म था 20 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो जैसे हमने आयरन बोर्ड को डाल देंगे वो तो 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, दो चीज हो गया अभी, पानी हो गया और आयरन बोल हो गया। आयरन बोल क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, मतलब ये हीट को लॉस करेगा और पानी उसका हीट को गेन करते चलेगा। अच्छा अब ये स्टारर क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इसका आसपास वाला पानी तो गर्म होगा, तो स्टारर का तो उसके घुमाते 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 ताकि वो पानी हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और एक कपल रिलेशन क्या करते हैं ताकि पानी को हर जगह पर ट्रांसफर करते हैं बैठ के, और मतलब हीट को अगर इनके आसपास आता है तो भी वो हर जगह पर से ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हर जगह पर यूनिफॉर्मली हीट ट्रांसफर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अच्छा थर्मोमीटर का क्या, थर्मोमीटर का ये है कि वो बैठ के हीट को मेजर करता है, सॉरी टेम्परेचर को मेजर करता है, कितना टेम्परेचर, ठीक है। अब तो ये जो आयरन बॉल है वो आयरन बॉल का मान लो मास हम बताओ, तो पता होगा हमारे पता है, तो मान लो इसका मास हमारे पास, मान लो हमारे पास इसका जो मास है, इसका मास मान चलते हैं यार, इसका मास है आयरन बॉल का मास, मास ऑफ आयरन बॉल, इसका स्पेसिफिक केमिस्ट्री एस ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री आयरन मान के चलते हैं, ये पता नहीं हमें निकालना है। अच्छा और ये क्या, ये मान लो मास ऑफ वाटर, पता है मास ऑफ वाटर, मान लो मास ऑफ वाटर है MW और इसका इक्विवेलेंट सॉरी मास ऑफ स्पेसिफिक केमिस्ट्री एस ऑफ W, आई पता है वन है लिख के रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब सुन लो, तो इसका टेम्परेचर फिलहाल 100 था, अब जरूरी नहीं कि 100 होगा, हमें एक एग्जांपल के तौर मान चले 100 है, और इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या करेगा, ये आपका हीट लॉस करेगा और ये आपका हीट क्या करेगा, गेन करेगा, और दो ही ऑब्जेक्ट है तो आपके प्रिंसिपल कैलोरीमीटर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो निकले तो फिर मैं बता ऑलरेडी। देखो हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद है कि आयरन का स्पेसिफिक हीट लॉस मेजर किया जाए, तो हीट लॉस इक्वल टू कितना करेगा, हीट गेन आ जाएगा। ये सबका वो काम समझ में आया, थर्मोमीटर काम क्या है, स्टेरिल का काम क्या है, इंसुलेटर ये क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हीट बाहर ना जाए, कपल क्यों इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। चले हीट लॉस कौन करेगा, आयरन बॉल करेगा, कितना लॉस करेगा, मान लो जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा टीएफ आ गया, ठीक है, थर्मोमीटर रीड करा टीएफ का टेम्परेचर, कि पहले 100 था 20 था, और मिक्सिंग होने के बाद स्टारर वगैरह से घुमाने के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा टीएफ, तो हीट लॉस कितना आ रहा आयरन बॉल के बाद एम एस डेल्टा टी, तो कितना बनेगा ये वाली ये बनेगा 100 माइनस आएगा टीएफ, सिंपल सा कांसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ये आता है अपने को, हीट गेन कर रहा होगा, और हीट गेन कर रहा होगा वाटर, हीट गेन कर रहा होगा, तो क्या लिख लेंगे पता है हमें एम एस डेल्टा टी, तो एम ऑफ वाटर एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, तो कितना आएगा टीएफ माइनस आएगा 20। हाँ तो बोलना चाहिए ना लाइक कैसे करते हैं, झूम जाना पड़ेगा क्या, कहाँ चला गया, चलो उसको ये कर देते कौन बोला सुन सुनने में, ओहो नहीं आ चला, अब स्क्रीन शेयर होगा सही, दोबारा मैं नोट पाइप तो जाना फिर से पहले ये लोग 20 में थे क्योंकि पानी पहले था और उनके साथ वो लोग टेम्परेचर बराबर ना आएंगे,
तो पहले इन सबका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस था, किसका, ये कप्पर वेसल्स का, ये थर्मोमीटर का, स्टेरॉइड का, ये सबका टेम्परेचर कितना 20 सेल्सियस होगा। अब जब जैसे कि ये आयरन बॉल ने जैसे पानी को मतलब हीट रिलीज करा, तो डेफिनेटली ये पानी तो गर्म हुआ होगा, साथ साथ थर्मोमीटर गर्म हुआ होगा, स्टेरॉइड गर्म हुआ होगा, कप्पर वेसल्स गर्म हुआ होगा, तो सर गर्म हुएगा नहीं होगा, बिल्कुल होंगे। तो इसलिए हमें और एक हीट गेन डालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मास ऑफ कप्पर, सॉरी मास ऑफ कैलोरीमेट्री इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलोरीमेट्री इनटू बनेगा, ये बनेगा टीएफ माइनस आएगा 20। ये लोगों की तो कुछ हीट गेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी कैलोरीमेट्री में कौन कौन आता है, कैलोरीमेट्री में टेम्परेचर मतलब ये स्केल आ गया, थर्मोमीटर आ गया, स्टेरर आ गया, कप्पर वेसल आ गया, सबको आ गया, तो सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, हमारी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ये वाटर इक्विवेलेंट भाई साहब क्या है उधर समझते हैं, मतलब ताकि जिंदगी का आसान चल जाए। वाटर इक्विवेलेंट है ना, एक टर्म होता है, वो समझते हैं कि क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट, क्या होता है ये वाटर इक्विवेलेंट, मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने मान लो 10 कैलोरी का हीट हम देख ले, क्या 10 कैलोरी का हीट इसने अब्सॉर्ब कर लिया, और थर्मोमीटर ये पर ये 10 कैलोरी का हीट अब्सॉर्ब कर लिया, कितना कैलोरी 10 कैलोरी, कहां से हीट आया, ये आयरन बॉल दिया होगा, आयरन बॉल दिया होगा, तो आयरन बॉल का जो 10 कैलोरी का हीट इसने अब्सॉर्ब कर रखा, किसने, कैलोरीमीटर ने अब्सॉर्ब कर रखा, कैलोरीमीटर मतलब थर्मोमीटर और स्टेरर प्लस कप्पर वेसल वगैरह सब कुछ वो ले लिए। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये कैलोरीमीटर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे 10 ग्राम का पानी बिहेव करता है, 10 ग्राम का पानी भी, पानी को भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए होता है, 10 ग्राम का पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना पानी, कितना हीट चाहिए, 10 कैलोरी। अब इसको भी कितना हीट चाहिए हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 10 कैलोरी चाहिए हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो कैलोरीमीटर है, वो कैलोरीमीटर का जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है वो 10 ग्राम इक्विवेलेंट का पानी के बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब मैं अगर 10 कैलोरी का इधर इस पर अगर एनर्जी दूंगा तो ये टेम्परेचर, ये जो थर्मामीटर, स्टेरर और जो कप्पर वेसल्स, ये अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, और वो काम 10 ग्राम पानी भी वही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर हमें वाटर इक्विवेलेंट गिवन होगा तो हम ये चीज को, ये जो मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, उनको रिप्लेस कर सकते हैं क्या वाटर इक्विवेलेंट में। देखो ये तो पर डिग्री, जैसे मान लो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो इंटू 2 कर देंगे, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो इंटू 3 कर देंगे, 1 डिग्री मतलब 20 से लेके 21 तक हो गए, इसका मतलब कितना 10 कैलोरी का हीट चाहिए, 20 से लेके 22 तक हो गया, मतलब कितना हीट चाहिए, 10 इंटू 2, 10 कैलोरी था। वाटर इक्विवेलेंट मतलब क्या है, वाटर इक्विवेलेंट मतलब जितना हीट मैंने इसको देता उसकी वजह से जितना उसका टेम्परेचर बढ़ता वैसे कितना अमाउंट ऑफ पानी को दूंगा ताकि उतना ही टेम्परेचर बढ़े। अरे भाई साहब समझ में आएगा कुछ, मतलब कितना आसान हो गया। हम इसको भी ऐसे दे सकते हैं जो एम आई एस आई इंटू बनेगा 100 माइनस पी एफ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप टेंशन मत लो। और ये एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर जितना आपने इसमें डाला है इंटू एस डब्ल्यू इंटू बनेगा टी एफ माइनस आएगा 20 प्लस बनेगा एमसीएससी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, मास ऑफ ये वाटर इक्विवेलेंट इनटू बनेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर, ये क्वेश्चन में क्यों बनेगा टेंशन मत लो, और ये बनेगा टीएफ माइनस आएगा 20 बस। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं एमआईएसआई 100 फॉर्मूला, रट्टा मत लगाना भाई साहब, हम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे क्लियर हो जाएगा, इसे क्या होगा एसडब्ल्यू टीएफ माइनस 20 टीएफ माइनस 20 ये सारे कॉमन आ जाएगा, तो एसडब्ल्यू TF माइनस अगर 20 सर कॉमन आ जाएगा, और ये प्लस बचे कितना सर, वैसे प्लस कौन सा आएगा मल्टीप्लिकेशन था, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ये आ जाएगा आपका M ऑफ W प्लस बनेगा वाटर इक्विवेलेंट। वो समझ में आया सर, इधर तक समझ में आया क्या, इधर तक सिंपल कौन था, बस ये वाटर इक्विवेलेंट थोड़ा सा इशू होगा। वाटर इक्विवेलेंट मतलब ये है, जैसे कि मैंने अगर कोई मतलब पूछा कि ये वाला पेन है ना, ये वाला पेन को मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो मान लो मुझे हीट जरूरत पड़ा, मान लो चलो 5 कैलोरी जरूरत पड़ा है ना, 5 कैलोरी, पता है इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 ग्राम। मतलब अगर 5 ग्राम पानी को भी मैं अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो कितना हीट जरूरत पड़ता है, 5 कैलोरी।
अब इसको भी एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो कितना हीट जरूर पड़ेगा, 5 कैलोरी। तो ये 5 ग्राम पानी के बराबर है हीट के टर्म में बताएंगे तो, ये 5 ग्राम पानी नहीं है। पर अगर देखा जैसे मान लो चलो मेरा बॉडी का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मान लो मुझे 1,00,000 कैलोरी का एनर्जी चाहिए है मेरे अंदर से, ठीक है मतलब। तो अब मैं चलो 1,000 हो गया ठीक है, मान लो मेरा बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मान लो 100 कैलोरी का हीट चाहिए, तो बताओ मेरा बॉडी कितने पानी के बराबर है, 100 ग्राम पानी के बराबर है। तो ऐसे ही अगर उसने बोला है कि यार ये जो थर्म ये जो हमारा कैलोरीमीटर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पता है कितना पानी चाहिए, कितना मतलब हीट चाहिए, उसने मान लो बोला 15 कैलोरी का हीट चाहिए, इसका मतलब उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 15 ग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ताकि हम इससे छुटकर मिल जाए, बेसिकली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं मास इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट इनटू बनेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आसान हो गया। हाँ इंडिविजुअल सबका निकालने से अच्छा क्वेश्चन में क्यों ना टूटा देना खटा कर लिखो या फिर क्वेश्चन कर लो उसके बाद लिखोगे, एक क्वेश्चन कर लेना देख लेते हैं क्वेश्चन क्यों है, एक क्वेश्चन देख लो, एक कैलोरीमेट्री एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, क्या बात है वाटर इक्विवेलेंट दिया है क्वेश्चन में, अरे ये नाता है 15 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट दिया है, मतलब 15 ग्राम का वाटर इक्विवेलेंट मतलब वो कैलोरीमेट्री गर्म होने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के लिए उसको कितना पानी के बराबर चाहिए, 15 ग्राम का पानी मतलब 15 कैलोरी का एनर्जी चाहिए। अच्छा हो गया, कौन निकाल के बैठेगा बेटे, कॉपर का थर्मोमीटर का स्टायर का कौन निकाल के बैठेगा, एंड इट्स टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इनिशियल उसका टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस था, एंड एल्युमिनियम बॉल तो पहला डायग्राम बना था उसमें थोड़े से एक एल्युमिनियम बॉल हो जाएगा इस तरह से कुछ पानी से भरा हुआ होगा ब्लू है पानी ठीक है चलता है अभी अभी ये सब कितना है 20 डिग्री सेल्सियस थे सब कुछ ना सब कुछ, और इसका मास में 1.5 kg है भाई साहब, kg है ये 80 डिग्री सेल्सियस में, ये कितना ये 80 डिग्री सेल्सियस में इस कूलिंग कैलोरीमेट्री, और फाइनल टेम्परेचर हुआ 60 डिग्री सेल्सियस। कौन देगा ये फाइनल टेम्परेचर, कौन देगा, अगर बॉल नहीं देगा ना देखो थर्मोमीटर रीडिंग देगा, तो पूछा कि पता है कि एल्युमिनियम का ये बताओ एल्युमिनियम का स्पेसिफिक टेंपरेचर बताओ, तो बोला नहीं इसमें बड़ी चीज तो वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, इसने कुछ हीट लॉस करा होगा तो मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू बनेगा स्पेसिफिक टेंपरेचर ऑफ एल्युमिनियम इनटू बनेगा 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 टी फाइनल डालेगा 60 माइनस आएगा टी और ये वाटर इक्विवेलेंट है मतलब पानी है 135 ग्राम का प्लस एक कपर वेसल्स थर्मामीटर स्टेरॉइड ये सब कुछ मिलके कितना प्लस 15 ग्राम का पानी खा ले रहे तो क्या करेंगे मास ऑफ वाटर या देखा फॉर्मूला पुट करते हैं मास ऑफ वाटर इनटू बनेगा स्पेसिफिक टेंपरेचर ऑफ वाटर इनटू बनेगा इनटू बनेगा इनटू बनेगा इनटू बनेगा पहले थे 20 में 60 हो गए तो 60 माइनस आएगा 20 आएगा ये तो कहोगे पानी ने पानी ने सर्व करा अब वाटर इक्वल निकालेंगे वो मतलब जो ये सारे कैलोरीमीटर इतना यूनिट सबको ऑब्जर्व किया वो 15 ग्राम तो प्लस 15 ग्राम का पानी मास ऑफ वाटर इक्वल इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर इनटू ये भी बनेगा 60 माइनस 20 कुछ रट्टा लगाना पड़ रहा है क्या मुझे पहले बताओ नहीं ये तो सिंपल लॉजिक है हीट लॉस इक्वल टू हीट ये बस खत्म ये तो पता ही सब चीज ऑलरेडी है तो बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा मतलब सर क्या कुछ बचा गया मास ऑफ एल्युमिनियम कितने का है 1.5 kg की है बी केयरफुल अबाउट इट तो आ जाएगा 1500 इनटू ये तो निकालना है एल्युमिनियम स्पेसिफिक कैपेसिटी 8160 आएगा 20 इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना का है अच्छा तुम ऐड कर दो क्या ये मास ऑफ वाटर इधर है 135 प्लस इधर है 59 सब्स्टिट्यूट करें नहीं ऐसा नहीं देखो 60 चल निकाल लेते ठीक है 135 इनटू ये स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना आएगा 1 कैलोरी आता है 1 कैलोरी 60 माइनस 20 कितना आएगा 20 प्लस ये कितना आएगा 15 इनटू 1 ओए रे ये तो महापाप है भाई साहब इनटू 60 माइनस 20 कितना आएगा ये भी 40 आ जाएगा देखो दोनों से 40 कॉमन आ जाएगा 135 प्लस 15 आ जाएगा तो एस ऑफ एल्युमिनियम बन जाएगा आपका 1500 इंटू बनेगा 20 इक्वल टू ये कितना आएगा 40 कॉमन आ जाएगा 135 प्लस 50 कितना आएगा 150 इंटू बनेगा 40 ये चाहते थे कट कैंस कट कट जाए बोल के साइड में चला जाए 40 कैंस करो पेपर मतलब क्वेश्चन कौन बनाए तो ऐसा का एल्युमिनियम कितना आएगा ऐसा जो एल्युमिनियम ऑल नहीं एल्युमिनियम आ जाएगा ये आएगा 20 अपन 4 कितना आएगा 5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
ऐसे निकाला था। हाँ बिल्कुल, किसका? एल्यूमिनियम का। ऐसे इस्तेमाल करते हैं कैलोरी मेट्रिक को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? हीट लॉस एक आयरन बोल को डाल देंगे, बस वाटर इक्विवेलेंट एक नेचर से करने वाले थे, वाटर इक्विवेलेंट बाकी सब आते हैं है ना। लियो हटाओ लियो, बस विल स्टॉप हियर। हाँ बिल्कुल दिया होगा, नहीं तो कुछ और दिया होगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, पहले क्वेश्चन ये सब नहीं लिखना आपको। हाँ पहले क्वेश्चन लिखना है, पहले ये लिखो स्क्रीन शेयर। हाँ हो गया, स्टॉप बोल स्टॉप।